हिंदुस्तान में रह के तलवानियों की मदद करते हैं आप? क्यों नहीं तलवानियों के खिलाफ बोलते आप जो मानवता को मारते? बताइए आप ऐलान कीजिए, आप तलवानियों की फेवर में फिर आपको बताते हिंदुस्तान में रह के ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं आप? अरे आप तलवानियों की मदद करते हैं, तुम्हारी हाथी की ताथी आतंकवादियों की मदद करते हैं हिंदुस्तान में रह के? अरे तेरी हिम्मत है ना, मुझे बता मैं कहां हूं। एक ओवर से कोई खुश हुआ है तो वो है पाकिस्तान और आईएसआई पाकिस्तान की। आप इस ब्लास्ट को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे आईएसआई का भी हाथ हो सकता है? एमएस बेटा देखो, अभी पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट अभी जेल से छोड़े, अभी तलवानियों ने जेल से छोड़े और मोटरसाइकिल के जरिए पाकिस्तान गए। अब मुझे एक चीज बताइए कि आज पाकिस्तान लड़ने के काबिल नहीं रहा, तभी उनके इमरान खान की पार्टी की वो लेडी एक स्पोक्समैन कहती है कि अब कश्मीर हमें तलवान कश्मीर दिलाएगा। सारा आईएसआई की साजिश है जी, आईएसआई करा रही है वहां पे। जी बोलिए, सुनिए, मुझे एंकर साहब, मुझे आप पे थोड़ा सा गिला आ रहा है। आप लड़ाने के लिए क्यों बिठाते हैं बताइए मुझे? यहाँ इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गया? मैं तो वही पूछ रहा हूं। और इस लड़ाई के अंदर कहाँ से आ गए नरेंद्र मोदी? मानवता का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं, प्लेन वहां से लोगों को लेके आ रहे, मोदी जी कहां से आ गए? मुझे एंकर साहब आप जवाब दीजिए। मैं क्या उदित राज जवाब देंगे जो लाके आ रहे? मैं क्या, मैं तो उदित राज जवाब देंगे। ये मेरे भाई है मुस्लिम भाई हैं, इनको पूछना मैं चाहता हूं। इस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होना चाहिए, इस वक्त मानवता होनी चाहिए। वहां हिंदू भी मारा जा रहा है, वहां मुसलमान भी मारा जा रहा है, वहां सिख भी मारा जा रहा है, वहां ईसाई भी मारा जा रहा है। ये लड़ाई कहां लेके जा रहे? अपनी अपनी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाइयां लड़िए। उदित राज जी जवाब दीजिए, राजनीतिक लड़ाई का वक्त नहीं है। उदित राज जी, तमाशबीनी का वक्त है क्या? उदित राज जी जवाब दीजिए बेटा जी, अपनी लड़ाई लड़िए। क्या पर दीजिए, मानवता मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कत्लेआम हो रहा है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए, ये जो काबुल का ब्लास्ट अभी हुआ है, ये ब्लास्ट क्या तालिबान ने खुद किया है? नहीं, आपको पता है क्या? नहीं, आपको आपका बता दीजिए, आप बता दीजिए किसने किया है, किसने किया आप बता दीजिए। हिंदुस्तान में रह के तलवानियों की मदद करते हैं आप? क्यों नहीं तलवानियों के खिलाफ बोलते हैं आप जो मानवता को मारते? बताइए आप ऐलान कीजिए, आप तलवानियों की फेवर में फिर आपको बताते हैं हिंदुस्तान में रह के ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं आप? अरे आप तलवानियों की मदद करते हैं, तुम्हारी हाथी की ताथी आतंकवादियों की मदद करते हैं हिंदुस्तान में रह के? अरे तेरी हिम्मत है ना, आवा कहा हूँ मैं, मुझे बता मैं कहा हूँ? अरे तलवानियों आतंकवादियों के नेता, आतंकवादियों के लीडर, बेगुनाहों के कातिलों, आप आतंकवादियों, आप तलवानियों की मदद करते हो हिंदुस्तान में रह करके? तलवानियों की मदद नहीं बर्दाश्त की जाएगी है? आप मुस्लिम कौम के ऊपर कलंक है, मुस्लिम कौम के ऊपर कलंक है। अरे बोलिए बेटा जी, अब मुझे बताइए, ये रिजवी साहब आए हैं, रिजवी साहब आए, ये सेकुलर मुसलमान, ये हिंदुस्तानी दुनिया की शान, ना राजनीति में ना किसी और मुद्दे पे, इसको कहते हैं सेकुलर मुसलमान, हिंदुस्तान दुनिया की शान। सच जो सच था वही सच कह रहे हैं। और मुझे एक चीज बताइए, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मोदी जी कहां से आगे? बीच में मेरा एक सवाल है, मोदी जी कहां से आगे? आपकी टिकट नहीं मिली, आपकी बीजेपी से लड़ाई है, आपका बीजेपी से झगड़ा है, आप कीजिए। इस वक्त तो मानवता को बचाना है, इस वक्त लड़ाई का वक्त नहीं है। उदित राज जी, तमाशबीनी का वक्त है क्या? उदित राज जी जवाब दीजिए बेटा जी, लड़ाई लड़िए। क्या पर दीजिए, मानवता मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कत्लेआम हो रहा है। और ये मेरे मुस्लिम भाई, ये मुस्लिम भाई, इनको अरे अरे उसी बात को बार बार कह रहे हो, हमें ऐसी बात नहीं कर रहे। कत्लेआम हो रहा है,
आप हिंदुस्तान में रहकर ऐसी बातें करते हैं? अरे भाई हिंदुस्तान में रहकर बातें करते हैं तो यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि भारत में बात छोड़ मेरी बात छोड़ हिंदुस्तान है यही मानवता की बात नहीं करती नहीं कहा कि हमारे यहाँ कुछ तालिबान है जब यही तो कह रहे हमारे यहाँ कुछ तालिबान है इनसे क्यों नहीं कहते कि मैं बात करें मीडिया वाले से तो हो एंकर से तो हो उदित राज जी मेरा निवेदन है आप सभी से मेरा निवेदन है उदित राज जी के जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशन ने ये कहा है कि जो तालिबान में इस वक्त अस्तु है मेरी बात नहीं है साहब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुए बिट्टा साहब एक सेकंड उन्हें अभी तक नहीं बोला है बिट्टा साहब एक सेकंड निवेदन है मेरा उनको एक सेकंड इंजीनियर साहब के जाने दीजिए बिट्टा साहब प्लीज इंजीनियर सलीम इंजीनियर जी सलीम इंजीनियर बिट्टा साहब एक सेकंड सलीम इंजीनियर जी मुझे बताइए आप तालिबान के अफगानिस्तान में हुए आतंकी हमले का खंडन करते हैं कि नहीं? इंजीनियर साहब तालिबान के अफगानिस्तान में हुए आतंकी हमले का खंडन करते हैं कि नहीं करते हैं? इंजीनियर साहब तालिबान बिट्टा साहब